दोस्तों, PST और JEST के हवाले से ये खबर है कि 33 to 39 वाले कैंडिडेट जो कि हार्ड एरिया डिक्लेयर किए गए थे, उसमें 4,157 कैंडिडेट जिनको रिक्रूट किया गया था हार्ड एरिया के उसमें, लेकिन चूंकि अब कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है कि अब कोई हार्ड एरिया में 33 से लेकर 39 तक कोई कैंडिडेट जो है वो रिक्रूट नहीं किया जाएगा, तो अब जो 1,457 कैंडिडेट रिक्रूट हो चुके हैं, अब उनके अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल नहीं होंगे। बाकी आगे जब तक कोई फर्दर हुक्म ना आए तब तक जो है वो कोई टीचर हार्ड एरिया में रिक्रूट नहीं होगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट थे हार्ड एरिया में वो 40 से अबव थे, 1,457 वो थे जो 33 to 39 थे। आगे से कोई भी टीचर हार्ड एरिया में 33 to 39 वाला सिलेक्ट नहीं होगा। आगे जो भी फर्दर आर्डर आएंगे तो हो सकता है कि सब कैंडिडेट को उसके लिए जो है वो 33 to 39 आ जाए, ये हुक्म फॉर हार्ड एरिया और सॉफ्ट एरिया यानी दोनों के लिए। से 39 तक जो हार्ड एरियाज थे उनमें आज तक सिर्फ 1,457 लोग उनको नौकरी मिली, बाकी हार्ड एरियाज में जो लोग थे 3,500 वो उनकी मार्क्स 40 से ज़्यादा थे, वो हार्ड एरिया ना भी होते तब भी वो पास होते। तो ये सिर्फ 1,457 का नंबर है, तो ये नंबर कम था तो साहब ने पास नहीं किया, अपॉइंट हो गए हैं तो ठीक है, बाकी अपॉइंटमेंट ना करें तो हम कोई भी अपॉइंटमेंट अब 33 से 39 तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास रिजल्ट ना आ जाए और कोई। अच्छा सर,